हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लखनऊ पशु बाजार चैनल। आज हम आए हुए यादव डेयरी फार्म पर, यहाँ से आपको गाय का वीडियो दिखाते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। आज आपके चैनल के माध्यम से इतनी रात को जो ये वीडियो बन रहा है और जी। जो हमारे किसान भाई इतनी रात को ये वीडियो बन रहा है और वो देख रहे हैं, बराबर हमसे जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अधिकतर इस समय जो है हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अधिकतर विदेशों से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के या बुंदेलखंड के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जी जी। लोग बाहर विदेशों में अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं जी जी। उन अधिकतर उनके फ़ोन आया कर रहे हैं कि यादव जी आपके वीडियो जो है बराबर हम लोग निरंतर देखते हैं जब भी फ्री टाइम में। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आज आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो किन गायों का वीडियो दिखाने जा रहे हैं आप आज? कुछ क्रॉसब्रीड और जर्सी जो है हमारे पास अभी सेल हुई हैं। सेल हुई वही, कुछ गाय बाहर जा रही हैं, उन्हीं को जो है आज हम कहाँ के लिए सेल हुई? तीन गाय जो है हमारी बुंदेलखंड जा रही हैं, बुंदेलखंड उरई जा रही हैं बुंदेलखंड जी। और दो गाय जो है ये तीन गाय जा रही हैं उरई के लिए जी। ये तीन गाय जो है उरई के लिए जा रही हैं। और ये गाय कहाँ के लिए जा रहे हैं? वो दो गाय जो है फरुखाबाद जाएंगे। फरुखाबाद जाएंगे, ये दो गाय जो है फरुखाबाद के लिए जा रही हैं। तो एक एक गाय के बारे में डिटेल दे दीजिए। तो ये कौन सी नस्ल की गाय हुई? ये साहिवाल है जी। आप देख सकते हैं इसका आर्डर क्वालिटी देखिए। तो अभी तैयार हो रही है ना? अभी इसका जो है समय लेगी बच्चा देने में। कितना टाइम ले लेगी? 15 दिन का समय ले लेगी ये गाय। अभी 15 दिन का टाइम ले लेगी। आर्डर देखिए, ये देखिए आर्डर तैयार हो रही है। थन का गैप कितना शानदार जी, देख सकते हैं गाय की बनावट। तो क्या उम्मीद इससे कर रहे हैं? दूध कितना निकाल देगी लगभग? दूध ये करेगी ये जो है 11-12 लीटर। ये 11-12 लीटर दूध लगभग कर देगी। तो कितने में सेल करें इसको? जो है 44,500 में ये गाय बिकी हुई है यादव डेयरी फार्म से, उरई के लिए जा रही है। आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट है, अभी 10-15 दिन में बच्चा दे देगी। बाकी सीधी है, शांत है, माल भवर से भी बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप देखने जा रहे हैं दूसरी गाय। तो ये भी कौन सी नस्ल की गाय हुई? ये तो दोनों गाय इतना इस नस्ल की इतनी ज़्यादा चर्चा ही हो चुकी है जी। पुरानी जर्सी जी, इसमें काफ़ी जो है सुर्खियों में चल रही है हमारी वीडियो जी। तो पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ये देखिए, ये गाय बहुत ही सॉलिड होती है। ये देखिए कम मेंटेनेंस खर्चा और आगे से देखिए। तो अभी तैयार हो रही है? हाँ, ये अभी जो है लगभग कितना टाइम ले लेगी? 7-8 दिन का समय ले लेगी। अभी 7-8 दिन का टाइम ले लेगी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इससे दूध कितना निकाल देगी? ये अच्छा, अगर बेहतरीन मेंटेनेंस बनता है इसका जी जी, 13-14 लीटर दूध कम से कम निकलती है। 13-14 लीटर दूध निकाल देगी कम से कम अगर। तो टाइम कितना ले लेगी? टाइम ये लगभग ये मान के लीजिए भैया 7-8 दिन का समय ले लेगी। 7-8 दिन का समय ले लेगी। नस बहुत बेहतरीन है ये देखिए, इनका होता ही है। ये देखिए, ये देखिए डबल, ये देखिए। तो कितने में सेल हुई है दोनों गाय जो है? नहीं, इसका रेट होता है दोनों एक ही में बिकी हैं। तो इस गाय को भी देख लीजिए, बाद में रेट बता दें। ये गाय दूसरी है, उसी नस्ल की गाय है। ये देखिए आर्डर क्वालिटी, ये भी तैयार हो रही है। ये भी तैयार है, बहुत अच्छी गाय। आगे से देखिए आर्डर क्वालिटी, ये देखिए जी जी। इसका भी मिल्क वेन देखिए आप, जो है दोनों गायों का एक बार मिल्क वेन देखिए। इसे रस्से की तरह जो है मोटा मिल्क वेन ये आप देख सकते हैं। और दोनों गाय ये अभी टाइम ले लेंगे। पैर देखिए इनका दोनों, ये दोनों छोटे कद की गाय जी जी। लंबाई इनमें बहुत ज़्यादा होती है जी जी, और बैठक की होती है, छोटे पैर की गाय होती हैं। चारा भी कम खाती हैं बहुत ज़्यादा। ये पुरानी जर्सी? पुरानी जर्सी है, इनको कूलर पंखे की ज़रूरत नहीं है, रोज़ इनको नहलाने की भी ज़रूरत नहीं है, धूप में भी इनको रखा जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस होती है। तो इससे उम्मीद क्या कर रहे हैं, कितना दूध निकाल देगी? दोनों बराबर दूध निकालेगी। 13-14 लीटर लगा देंगे। तो टाइम कितना ले लेगी? दोनों लगभग जो है बराबर समय लेंगी, वही 7-8 दिन का समय लेंगे। 7-8 दिन का समय ले लेंगे, बाकी लोडिंग पे एक दो दिन इधर उधर हो सकता है। तो ये दो गाय बिकी हुई पुरानी जर्सी, तो इनकी कितने में सेल हुई दोनों? दोनों जोड़ी कितने में सेल हुई? 80,000 रुपये में सेल हुई। ये जोड़ी जो आप देख रहे हैं सामने, ये 80,000 में सेल हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी शानदार जोड़ी है, ये पुरानी जर्सी है। ये देखिए 80,000 में सेल हुई, मान लीजिए कि 40-40,000 की एक गाय है। ये आप देख सकते हैं यादव डेयरी फार्म से आप देख रहे हैं गाय का वीडियो। ये आप आगे से देखिए, ये देख सकते हैं बहुत छोटा होता है। ये देखिए कितनी शानदार गाय है, ये देखिए इनकी जो पहचान होती है कि जी जी। कान भी बहुत छोटा होता है, कान भी छोटे होते हैं, कान छोटा होता है, पैरों से छोटी होती है। जी आप पहचान सकते हैं छोटा होता है जी। जी आप देख सकते हैं।
तो ये तीन गाय जो बिकी हैं आपके फार्म पर, ये जा रहे हैं उरई के लिए, उरई बुंदेलखंड के लिए जा रहे हैं ये। तो इन गायों का हम डिटेल हमने पूरा दे दिया। अब ये देखिए, तो ये गाय कहाँ के लिए जा रहे हैं? ये दोनों गाय फरुखाबाद के लिए जा रहे हैं। तो इस गाय का डिटेल क्या हुआ? फर्स्ट टाइम पर बछड़ी है। कौन सी नस्ल की है? दो दांत की बछड़ी है। कौन सी नस्ल की हुई? जर्सी है ये। जर्सी आप देख सकते हैं। तो अभी टाइम ले लेगी? हाँ, अभी ये बच्चे करने में लगभग 12 से 15 दिन का समय लेगी जी। आप आर्डर देखिए, लगभग कितना टाइम ले लेगी जी? हाइट बहुत अच्छी है और लंबाई भी बहुत अच्छी है जी। आप देख सकते हैं हाइट और लंबाई जी, देखिए कितनी शानदार ये देखिए ये देख सकते हैं कितनी। तो कितना टाइम ले लेगी भाई? 12 से 15 दिन का टाइम लेगी। उम्मीद क्या कर रहे हैं इसे? दूध कितना निकाल देगी? 14 लीटर कर देगी। कितने में सेल हुई जोड़ा? ये एक गाय हमने आपको डिटेल दे दिया है, अब दूसरी गाय के बारे में डिटेल देंगे, तब रेट दोनों का बता देंगे जोड़े किसमें। इस गाय की क्या डिटेल हुई भाई? सिंगदार है, ये भी जर्सी है, ये भी जर्सी है जी। आप देख सकते हैं आर्डर क्वालिटी पहले देखिए, ये देखिए पीछे से देखिए आर्डर क्वालिटी, ये देखिए किसान दार, ये देखिए। तो अभी कितना टाइम ले लेगी ये? लगभग 8 दिन का 10 दिन का समय ले लेगी। 8-10 दिन का टाइम ले लेगी जी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इससे दूध कितना निकाल देगी? लगभग दूध करेगी भैया जो है 15 प्लस कर देगी। अच्छा, तो ये दोनों जोड़ी एक साथ में बिकी हैं? दोनों साथ में बिकी हैं 1,15,000। तो ये दोनों जर्सी हैं? हाँ, लेकिन दोनों जर्सियों में हम फर्क जानना चाहते हैं कि एक के सींग है एक मुंडी है, इसमें क्या फर्क होगा, क्या इनका विशेषता है? आज आपको हम इन दोनों जर्सी के भी भाई पास ले बताएंगे जी। जी वो भी जर्सी है और ये भी जर्सी है जी, दोनों के बारे में फर्क बताएंगे। पहले इन दोनों गायों के बारे में थोड़ा फर्क बता दीजिए। अच्छा करते हैं कि जिस गाय के जर्सी है लेकिन सींग है एक मुंडी है, उसमें क्या फर्क होता है? जो ये जिसके सींग है जी जी, ये वही नस्ल है जो पीली वाली आप देख रहे हैं, जो वो नस्ल है उसी नस्ल की है जिसके सींग है, गाय है वो मुंडी में है वो सींग में है, सिर्फ कलर का फर्क है जी। दोनों एक ही नस्ल की गाय है। दोनों कान देखिए जो है छोटा कान है जी जी। और इनके मत्था जो है वो घुसा हुआ, आंखें उभरी हुई उसी टाइप के, उसी टाइप की इनकी टुड्डी। तो ये जो है जर्सी, वही वाली जर्सी है, पीली पुरानी जर्सी है, पुरानी जर्सी है, केवल इसके सींग सींग है। और ये वाली जो है ये थोड़ा जो है HF में, ये HF में, ये जो जर्सी है वो HF में, ये इनमें ये इसमें अंतर है, इसमें अंतर वो पुरानी जर्सी में, ये प्योर जर्सी है उसमें। ये जो है थोड़ा अपना रहन सहन अच्छा, मतलब जो है सूट कर जाती हैं, इनको थोड़ा पंखे की जरूरत पड़ जाएगी। और सींग हो जाने से किसान को एक और फायदा हो जाता है जी, कि इसमें थोड़ा इनका और सहनशीलता क्षमता बढ़ जाती है जी, अल्टीने का काम करते हैं। तो ये दोनों कितने में सेल हुई? दोनों गाय 1,15,000 रुपये में सेल हुई। दोनों गाय 1,15,000 में सेल हुई जी। ये दोनों गाय जो आप देख रहे हैं ये 1,15,000 में बिकी हुई हैं यादव डेयरी फार्म से। फिर से एक बार आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये देखिए ऑर्डर क्वालिटी कितनी शानदार, ये देखिए दोनों भारी, ये देखिए भारी वर्कम, अभी तैयार हो रही हैं, कोई दूध ये नहीं कि चढ़ाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं, भी तो बच्चा ही नहीं दिए हैं ठीक। तो ये अभी तैयार हो रही हैं, तैयार होंगी तो और ऑर्डर भारी भरकम बनाएगी, ये तो भी और ऑर्डर बनाएगी। ये आप देख सकते हैं, तो ये 1,15,000 में दोनों गाय सेल हुई हैं यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज लखनऊ में जी। आप देख सकते हैं। तो आज कितनी गाय बेचे हैं लगभग? आज लगभग रात के 12:30 बजे तक कितनी गाय बिक चुकी है? कितनी? 25 गाय, यानी शाम से लगाकर रात तक 25 गाय बिक चुकी हैं। रात से ही तो हमने बेचना शुरू किया, शाम को तो हम आए भी नहीं थे यहाँ पे, गाय लेके रात से ही गाय उतरना शुरू हुई और लगभग अभी 3-4 घंटे का समय हुआ होगा, 3-4 घंटे 25 गाय बिक चुकी हैं। तो भैया आपके पास कितनी गाय उपलब्ध है? अभी भी हमारे पास जो है 20 प्लस गाय है, यानी बुधवार को बेचने के लिए 20 प्लस गाय अभी आपके पास उपलब्ध है। अगर जो बुधवार के दिन सुबह जो है लोग आते हैं तो हमारे पास अभी भी काफ़ी संख्या में गाय हुए, काफ़ी संख्या में उपलब्ध है बिल्कुल। और अच्छी गाय है सभी जो है, भारी भरकम ब्याई हुई प्रेगनेंट काफ़ी गाय है जो अभी आपको विद्युत माध्यम से जो है सभी गाय को एक दिखाकर सभी का डिटेल बताया जाएगा। अधिकतर किसान भाई मांग करते थे कि जो है गायों में वीडियो में दाम नहीं बताया जाता है जी, तो जी। अब तो लगातार हम आप नहीं रेट बता रहे हैं, जो है रेट बता रहे हैं और आज जो बढ़े हुए दाम के अनुसार जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम दाम में जो है लोगों को, किसान भाइयों को गाय उपलब्ध करा सकें। हमने गायों की संख्या बढ़ा दी है लेकिन हम रेट को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा पशु लेने में 2-4 हज़ार रुपये बढ़ के खरीदना पड़ता है, ज़्यादा गाय खरीदने पर
लेकिन फिर भी हम जो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने ग्राहक भाई आए हुए थे, किसान भाई आए हुए थे, सब गाय लेके जा चुके हैं या कुछ ग्राहक भाई भी रुके हुए हैं सुबह देखने के लिए? अभी काफी लोग रुके हुए हैं, काफी लोग आराम कर रहे हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, और बाकी जो हमारे नजदीकी लगभग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमने उन सभी लोगों को जो है गाय लोड करवा के बेहतरीन तरीके से भिजवा दिया है। अधिक ये दो गाड़ियां लोड होने जा रही हैं। जी, आप लगभग मैंने जो है ट्रांसपोर्ट की भारी संख्या हमारे पास मंगलवार को रहती है। जी, जो हम लोगों को बेहतर तरीके से जो है गाय भी देकर भी संतुष्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी। तो ट्रांसपोर्ट का आपके क्या सिस्टम हुआ, क्या सिस्टम हुआ? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ये है कि जो पिकअप गाड़ी है हमारे पास, जी जी, 15 रुपये प्रति किलोमीटर प्लस टोल पे जाती है, और जो छोटा हाथी है वो 12 रुपये किलोमीटर। 12 रुपये यानी छोटा हाथी से अगर कोई गाय ले जाएगा तो 12 रुपया प्रति किलोमीटर पड़ेगा, ठीक, आना जाना दोनों तरफ का। और अगर टूल प्लस टूल का भी पड़ेगा, अगर पिकअप से ले जाएगा तो 15 रुपये पड़ेगा। ये फिक्स है? हाँ बिल्कुल, कोई बातचीत नहीं करनी। ये जो है ऑल इंडिया रेट है, सभी चल रहा है, गाय कहीं भी ले जाना चाहे मिल जाएगा, कहीं भी ले जाता है वो मिल जाएगा। अन्य प्रदेशों से आप ग्राहक भी आते हैं आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, अभी झारखंड से लोग आए हुए हैं, बिहार से आ भी रहे हैं, कुछ लोग पटना से, जी जम्मू से कुछ लोग आए हुए हैं। जी जी, तो उन लोगों जो है सुबह हम गाय देकर इन लोगों को जो है सुबह हम रवाना करेंगे। जी, तो ये आप सब देख रहे थे यादव डेयरी फार्म लखनऊ गोसाईगंज से गाय के वीडियो, बिकी हुई गाय का वीडियो और पूरी जानकारी इन्होंने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को जो बराबर जो है आज रात की भी वीडियो जो है फॉलो कर रहे हैं और दिन में भी जो है बराबर जो है वीडियो को देख रहे हैं। जी, और अपने कमेंट के माध्यम से वो लोग बिल्कुल जो है अपनी बात बता सकते हैं, अपनी बात बताएं, और संपर्क कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं 99 84 74 13 48 91 98 13 15 13 83 54 95 83 45। ये तीनों कॉन्टेक्ट नंबर हमारे डेयरी फार्म के हैं। तीनों कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से लोग जो है फ़ोन कर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श जानकारी कोई अगर चाहते हैं तो बिल्कुल वो जो है इसके संपर्क के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।